हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरे फ्रेंड की टाटा अल्ट्रोस और इस पे फ्रंट लेफ्ट साइड पे बम्पर पे एक बड़ा सा स्क्रैच लग गया है। तो आज हम इस स्क्रैच को रिमूव करने वाले हैं। स्क्रैच रिमूव करने के लिए हम सिर्फ ये तीन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, कोलगेट चारकोल क्लीन, कोकोनट ऑयल और टॉवेल। आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये चारकोल वाला टूथपेस्ट ही रहेगा। सबसे पहले आपको इस तरह से स्क्रैच पे अच्छी तरह से टूथपेस्ट को अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपको टूथपेस्ट की हेल्प से जो स्क्रैच है उसे घिसते जाना है और उसके बाद कोकोनट ऑयल को टॉवेल पे लगा के उसे वापस घिसना है। अभी आपको पानी डाल के अच्छे से टूथपेस्ट और कोकोनट ऑयल को निकाल देना है और लास्ट में इस तरह से कोलिन लगा के फिर से एक बार पार्ट को साफ कर देना है। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके गाड़ी के स्क्रैचेस बहुत ही सुपरफिशियल या फिर माइनर है तो ही वो रिमूव हो पाएंगे। अगर ज़्यादा डीप है या फिर अंदर से ही कलर उखड़ गया है तो ये रिमूव नहीं हो पाएंगे इस टेक्निक से। उसके लिए आपको पार्ट रीपेंट ही कराना होगा। अगर आपकी छोटी मोटी एक्सीडेंट की वजह से ऐसे छोटे बड़े स्क्रैचेस आ जाता है तो वो आप इस टेक्निक से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।